हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए पालक मशरूम की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लाई हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाने की रेसिपी को देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पालक को अच्छी तरह से बॉयल करके उसे ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करते समय मैंने उसमें नमक डाला था, साथ में ही सॉरी ग्राइंड करते समय मैंने उसमें ग्रीन चिली और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला था और उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख लिया था दोस्तों। और अब मैंने घी गरम किया है। घी में मैंने सारे खड़े गरम मसाले, जीरा डाला है और सारे खड़े गरम मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने 2 छोटी इलायची डाली है, 1 बड़ी इलायची डाली है, 3 से 4 लौंग डाले हैं। और अब मैंने मशरूम को डाल दिया है। सबसे पहले मैं मशरूम को थोड़ा फ्राई कर लूँगी फ्रेंड, क्योंकि मशरूम बहुत ही पानी रिलीज करता है, इसलिए मैं पहले मशरूम को डाल दूंगी। मशरूम जब थोड़ा भुन जाएगा तो मैं बाकी की चीज़ें डालूंगी दोस्तों। देखिए, और मशरूम जब भी आप फ्राई कीजिए एकदम फ्लेम हाई पर होना चाहिए, नहीं तो मशरूम बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगा और फिर उसमें उसे पानी को सुखाने में बहुत ही टाइम लगता है फ्रेंड्स। इसे मैंने लगभग 5 मिनट तक भूना था एकदम हाई हीट पर। और ये मेरे मशरूम जो है 150-250 ग्राम है फ्रेंड्स। एक पैकेट मशरूम मैंने लिया था। जब मशरूम की पानी थोड़ी सी सूख जाएगी तब मैं इसमें अनियन डाल दूंगी दोस्तों। इस सब्ज़ी को बस बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी खाने में। एकदम नए तरीके से मैंने बनाया है। मशरूम तो हेल्दी है ही, साथ ही में मैंने स्पिनच मिलाया, दोनों बहुत ही हेल्दी होते हैं। और देखिए, अब मैंने इसमें अनियन डाल दिया था। अनियन मैंने मीडियम साइज़ के 2 लिया था, उसे मैंने बारीक काटी है फ्रेंड। दोस्तों, आप लोग जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों का बहुत ही स्वागत है दोस्तों, और जो कोई भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं देश या देश के बाहर से, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बगल में रखी हुई बेल दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हेल्दी जितनी भी मैं रेसिपी डालती हूँ, हेल्दी और घर की बड़ी चीज़ों से डालती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड्स। अब देखिए, अनियन अच्छी तरह से थोड़ी सी भून गए और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और अनियन भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है दोस्तों। तो अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल दूंगी फ्रेंड्स। इसमें इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच भर करके अदरक और 1 चम्मच भर करके लहसुन डाला है दोस्तों, और इसे अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी और 1 से 2 मिनट तक इसे भून लूँगी फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से भूनने के बाद मुझे थोड़े से गार्लिक कम लग रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा गार्लिक और डाला है। उसके बाद मैंने इसमें मैंने हल्दी डाल दिया दोस्तों। हल्दी डालने के साथ ही मैंने किचन किंग पाउडर डाला है। अगर आपके पास किचन किंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी करी पाउडर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट में मैं इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूंगी, इसे सबसे लास्ट में डालिए, जिससे इसका खूब अच्छा सा कलर बना रहता है दोस्तों। और अब मैंने इसमें अपने ग्राइंड किए हुए पालक को डाल दिया है और इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी दोस्तों। बहुत ही जल्दी बनने वाली, बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी है। बस आप मशरूम को अच्छी तरह से धो करके काट लीजिए, क्योंकि मशरूम में मैं बहुत ही ऊपर से गंदगी लगी रहती है, इसलिए मशरूम जब भी धोइए अच्छी तरह से धो लीजिए। और पालक को अच्छी तरह से आप चुन के उसके बाद इसे ब्लांच कर लीजिए, ब्लांच करके ग्राइंड करके रखिए, और उसके बाद सब्ज़ी बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। इसे आपके घर में कोई आए या पार्टी वगैरह उसमें भी रख सकते हैं। बहुत ही क्रीमी यह सब्ज़ी है, बनने में बहुत ही आसान है और साथ ही बहुत ही न्यूट्रिशस भी है दोस्तों। मैंने अपने ग्राइंडर को धो के थोड़े से पानी इसमें डाल दिया है दोस्तों। मिडिल क्लास की हूँ मैं, इसलिए किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से हम भून लेंगे दोस्तों।
जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और अब मैंने इसमें क्रीम डाला है, क्रीम मैंने एक बड़े चम्मच भर करके डाला है। मैंने इसमें नॉर्मल क्रीम डाला है जो पैकेट में आते हैं 200 ml वाले। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, घर की मलाई हो उसे अच्छी तरह से फेंट के डाल दीजिए दोस्तों, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला, गरम मसाला मैंने 1 teaspoon भर करके डाला है, क्योंकि हमने खड़े गरम मसाले भी डाले हैं, इसलिए मैंने 1 teaspoon भर करके गरम मसाला डाला है। और लगभग 1/4 cup मैंने पानी डाला है, और पानी डाल के मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे बॉयल होने दूँगी। जब एक बॉयल जब आ जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी दोस्तों, और इसे सर्व करने के लिए इसमें मैं क्रीम से सर्व करूँगी। बहुत ही टेस्टी पालक और मशरूम की सब्ज़ी तैयार है दोस्तों, इसे ज़रूर बनाइए, आपके घर में सबों को बहुत ही पसंद आई होगी आएगी, क्योंकि पालक पनीर तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन पालक मशरूम बना के देखिए एकदम डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसे मैंने ऊपर क्रीम से गार्निश कर दिया था दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। बेल भी मैं फिर से बता रही हूँ, बेल दबाइएगा जिससे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रीम डाल दिया है, और ऊपर से मैंने धनिया पत्ते से सजा दिया है दोस्तों, और ये बहुत ही यमी और टेस्टी बने थे। इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत कम ही खर्च में एकदम पार्टी वाली हेल्दी और टेस्टी सब्ज़ी तैयार है फ्रेंड्स। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। तब तक टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स।